तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट क्या है चीज को जानिए कि मेरे इस लोकेशंस में हर दिन एक फाइल डाउनलोड होता है हमारे सिस्टम से। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जहां से मुझे फाइल डाउनलोड होता है इस फॉर्मेट में हर एक दिन। इसमें बहुत सारा डेटा है लेकिन इस तरह के नाम होता है। इसमें मास्टर डेटा की जगह पे सेल्स डेटा, डेली डेटा कुछ भी हो सकता है, डीडीयू के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बट इसके बीच में जो डेट का फॉर्मेट है वो डेट का फॉर्मेट सेम होता है। तो मुझे इस फाइल को कॉपी करना है यहां इसी फोल्डर के, मान लीजिए यहां पे एन डेटा के नाम से इस फोल्डर के अंदर, समझे? तो मुझे इसमें से फाइल को पिक करना है और उस फाइल को पेस्ट कर, कॉपी करके पेस्ट करना है इस एन डेटा के। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको कि नहीं? जी सर। क्या बोला सर? जी सर, ये जो एमकेडी फोल्डर के माध्यम से जाएगा ना? नहीं, मेक डायरेक्टरी फोल्डर नहीं होगा, तो फोल्डर क्रिएट करता है ना, हमें कॉपी पेस्ट करना है फाइल को, डेटा तो ही लेना है, डेटा नहीं लेना है, पूरी की पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट कर देना है। क्योंकि क्या है ना सर, ये जो डेटा, ये जो ड्राइव है, शेयर ड्राइव है, इसमें फाइल आती जाती रहती है, क्योंकि इसकी एक स्पेस है, एक लिमिट है। जैसे हर कंपनी का एक ड्राइव होता है या फिर एक समझ लीजिए कि एक एफटीपी होता है जहां पे फाइल हमारा डाउनलोड होकर आता है या सेव हो जाता है, तो उसमें जो है हर किसी का अलग अलग फोल्डर है, तो हर फोल्डर के साइज डिफाइन की गई है। तो उस साइज से जैसे ओवर होता है तो जो भी हमारा इस फोल्डर को हैंडल करता है वो प्रीवियस फाइल को या पुराने फाइल को डिलीट कर देता है। तो वो बोलता है कि भाई आप अपना फाइल कॉपी पेस्ट करके, जैसे गूगल ड्राइव भी दे दीजिए ना, 15 GB से ज्यादा होगा डिलीट करना पड़ेगा ना आपको। जी सर। तो गूगल ड्राइव भी समझ लीजिए एक तरह से, हमारा यहाँ गूगल ड्राइव है वो समझ लीजिए एक तरह से। तो मुझे यहाँ से डेटा को कॉपी करके अपने सिस्टम के फोल्डर में पेस्ट कर लेना है, क्लियर है? बट हमें एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट इतना पता है कि आज की जो डेट है वो डेट उस नेम फाइल के साथ होगा। इसमें और चीजें भी है तो अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा। इसमें 2-3 चीजें और मैं नया डाल रहा हूँ, इसमें मैं शेड्यूल भी लगाऊंगा, ऑटोमेशन भी इसकी करूंगा कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाए। तो प्लीज आप देखते रहे। तो यहां हम रूल्स में आते हैं, सब्जेक्ट फाइल कॉपी के नाम से हम फाइल बनाते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब यहां पे हम करते हैं कि dim fn as a string और यहां fn इक्वल टू हम dir फंक्शन के अंदर डालते हैं, क्योंकि हमें फाइल का पूरा नाम पता नहीं है ना सर, समझे? जी सर। इस हमें बस इतना पता है कि इसके अंदर डेट हमारे इस फॉर्मेट में डला हुआ है। तो हमने यहां पे डाला स्लैश, स्लैश में हमने यहां पे स्टार डाला, एक्सएलएस नहीं, एक्सएलएस नेम भी डालना पड़ेगा ना, एक्सएलएस फाइल तो बहुत होगी ना सर, प्रीवियस फाइल तो हमें डेट डालना पड़ेगा, डेट। हाँ, तो डेट में तो एन परसेंट में हम यहां देते हैं फॉर्मूला फॉर्मेट का, और यहां पे देते हैं डेट, आज की सिस्टम डेट, ओके। और इसमें करके वाई 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 स्लैश एम एम स्लैश डीडी, आज की सिस्टम डेट को ये जो फाइल के नेम के अंदर जो डेट डला है ना जी, मंथ डेट इसके बीच में स्लैश लगा है, इस फॉर्मेट में दे देगा। और फिर एन परसेंट में लगाऊंगा स्टार डॉट एक्सलेस, स्टार एक्सलेस के बाद इसके स्टार क्यों लगा?
ताकि उसके आगे का जो वर्ड हो ब्लैंक कर दे। जी यहाँ पे कॉमा सर, इसमें ये जो फॉर्मेट वाला जो फॉर्मूला लगा है तो एक्सेल में जो टेक्स्ट फॉर्मूला होता ही है वही है वो लगा सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला ही है ये आपका टेक्स्ट फॉर्मूला बीबीएन सपोर्ट नहीं करता है तो टेक्स्ट की जगह पे मेल देते हैं। रिकॉर्डिंग की परमिशन मिलेगी? ओके। और जितेंद्र जी क्या हुआ, लेट हो गया आज? सर जस्ट ऑफिस से आया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर में कि फाइल नेम ढूंढ रहा है कि ढूंढ रहा है। आ गया सर फाइल नेम पूरा? बिल्कुल सर। तो हमें हमने डायरेक्टिव फंक्शन में क्या किया है, हमने स्टार लगाया, डेट का फॉर्मेट दिया, फिर स्टार लगाया, फिर एक्सटेंशन और फिर स्टार लगा। तो इसने बोला कि भाई कि इस डेट से पहले भी टेक्स्ट हो सकता है, इसके बाद में डॉट एक्सेल, इसके बाद में भी टेक्स्ट हो सकता है और डॉट एक्सेलएस, और हमने यहाँ पे और स्टार लगाया कि एक्सेलएस के बाद भी डेट हो सकता है। क्या किया कि ये जो डेट आपका दिख रहा है ना, इसके बिहाफ से उसको सर्च कर दिया कि भाई ये डेट जिसके अंदर है वो डेटा उठा के दे दिया। ओके। अब यहां पे कॉपी करने का कमांड होता है फाइल कॉपी। फाइल कॉपी में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डालना होता है। अच्छा, जहां पे करना है यहां से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो कॉपी मुझे इस लोकेशन से करना है एंड fn कर दिया फाइल ने। बिल्कुल सर। काम पर है तो भेजने का डेस्टिनेशन जो है आप यहां से ले लिया। हालांकि अगर आप सॉलिड चाहते हैं तो इसकी पहले से वेरिएबल में डाल दें, लेकिन मैं वेरिएबल में नहीं डाल रहा। और नेम आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज किए, अदरवाइज सेम नेम चाहिए तो यही पे मैंने एफएन कर दिया। तो ये क्या करेगा, फाइल कॉपी करके पेस्ट कर देगा। मैं एक बार रन पेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए आ गया ना इन डेटा में। बिल्कुल सर, ये पूरा डेटा पूरी सीट उठ के आ गई सर। पूरी फाइल उठ के आई, सीट नहीं फाइल। सॉरी, हां सॉरी सॉरी, पूरी फाइल उठ के आ गई। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। तो कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है, हम जितना हम इस माइक्रो को रन करेंगे उधर में कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्या? तो दूसरी दो चीजें हैं। पहली चीज है कि आपको नाम ढूंढने पड़ेंगे ना, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइल तो नहीं होगा, इसे आपको ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि एक ऑटोमेशन हो। मुझे पता है कि मेरा फाइल जो है रात के 9 बजे ये हमारे ड्राइव में हो जाता है, 9 बजे तक एटलीस्ट आ जाता है। मैं चाहता हूं कि 9 बज के 21 मिनट पे मेरा फाइल जो है ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए। मुझे कुछ ना करना पड़े, नथिंग, मैं कुछ ना करूं। बात समझे? और ये हर दिन 9 बज के 21 मिनट में ऑटोमेटिक फाइल को कॉपी कर। अब यहां पे चीज आती है मेन चीज, समझे? तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इस माइक्रो फाइल कॉपी को वर्कबुक में हम देंगे ओपन पे, वर्कबुक एंड ओपन। मतलब कि जब भी मेरी ये फाइल ओपन होगी ऑटोमेटिकली मेरा वो जो फाइल जो हमारा फाइल कॉपी करने वाला माइक्रो है वो रन हो जाएगा, ठीक है? और फिर इस फाइल को मैं सेव एज कर देता हूं एक लोकेशन में। मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूं एनएफ के अंदर, एनएफ के डेटा के। फाइल कॉपी के नाम से, ठीक है, और सेव कर दिया और इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। अब मैं अपना स्टार्ट करता हूं शेड्यूल टास्क। शेड्यूल टास्क हो सकता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बंद किया गया हो, मैंने कि इसको डिसेबल किया गया हो, तो आप उनसे बोलिएगा कि प्लीज यार ये टास्क शेड्यूल को ऑन कर दीजिए, जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये चीज अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं कि लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट?
तो अब वर्क फ्रॉम होम में अब मान लीजिए कि आप घर में फैमिली के साथ है, वाइफ ने बोल दिया कि जाओ दूध लेकर आ जाओ, किसी ने बोल दिया आपके मॉम डैड ने बोला बेटा मेडिसिन लेके आ जाओ, तो आपको जाना ही पड़ेगा कि आप घर में बैठे हुए, वो नहीं समझेगी घर में बैठे बैठा नहीं है बल्कि ऑफिस की तरह घर को यूज कर रहा है जी। क्या क्योंकि मैं पिछले कई 11 साल से चीज को झेल रहा हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि आप भूल जाएंगे कि यार मुझे 9 बजे फाइल डाउनलोड करनी थी, और भूलने की बात है तो हम ऑफिस में ही भूल जाएंगे ना। तो हम जब मेरा पीसी खुद ब खुद एक काम को कर दे, और हम ऑटोमेट हम जब कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम कम से कम काम करें, बाकी काम कंप्यूटर कर दे। तो टास्क शेड्यूलर पे हम आएंगे, क्रिएट टास्क पे क्लिक करें, नाम दीजिए, हमने यहां पे लिया फाइल कॉपी। फिर इसके बाद इसके ट्रिगर में है तो न्यू, थोड़ा सा हैंग होगा 2 मिनट के लिए। आ गया। अब इसको वन टाइम करना है, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है। तो हमने बोला डेली करना है, फिर डेली नहीं लगा दो, हर बार दिन फाइल कॉपी करेगा। मैंने इसको वन टाइम किया, बट आप डेली कर दीजिएगा। कब? डेट और यहाँ पे टाइमिंग देना होगा कि कब। तो 22 है तो मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ, ठीक है, 23:52 कर दिया। यहाँ रिपीटेड टास्क एवरी, या फिर मान लीजिए कि आपको हर एक घंटे पे करना है, या आपको रैंडम डिले करना है 1-1 घंटा, या स्टॉप रन लॉगर टाइम 3 दिन से ज्यादा लॉग नहीं किया तो स्टॉप कर देना, या इस टाइम पे इसको एक्सपायर कर देना, आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ओके कर दिया। फिर एक्शन क्या करना है, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ पे ऊपर स्टार्ट प्रोग्राम, इसमें दो चीजें हैं, आपको सेंड ईमेल करना है या डिस्प्ले मैसेज करना है, या फिर आप बोलते हैं कि नहीं स्टार्ट प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम पे गए और यहाँ हमने क्या किया, इसमें डेस्कटॉप पे MF के अंदर फाइल कॉपी था, अच्छा इसमें नहीं होगा, जब डेटा में डाला होगा हमने फाइल कॉपी एंड ओके, ठीक है, इसमें कुछ और देना है तो ठीक है, अदरवाइज ओके। मैं एक बार टिकर चेंज कर देता हूँ, टाइम चेंज कर देता हूँ इसको, जो नंबर अभी ओके नहीं किया, नहीं हम उसको 24 कर देते हैं, ठीक है ओके। कंडीशन वगैरह कुछ लगाना है तो इसमें यूज कर सकते हैं, बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके हो गया, हम क्लोज कर देते हैं इसको। अब एक्सेल फाइल खोल के छोड़ देते हैं, हालांकि जो एक्सेल फाइल खोल के छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो खोल के छोड़ दीजिए ऐसे, ताकि एक्सेल को ओपन में जो टाइम लगता है वो एप्लीकेशन टाइम ना ले होता ना, इसलिए मैंने इसको खोल के छोड़ दिया। इंतजार कीजिए जी सर। इंतजार इंतजार हो गया, बस कुछ देर में हो जाएगा। अब मैं एक बार फोल्डर खोल लेता हूँ अपना, यहाँ ए फोल्डर है, इसमें डेटा आएगा। मैजिक बिल्कुल सर, आ गया हो गया सर। बट यहाँ पे क्या, मेरा फाइल को बोला फाइल ओपन ही है, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाए, तो हमें क्लोज करने का कोड यहाँ डाल देना है विजुअल बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू। अब क्या होगा कि फाइल को ऑटोमेटिक को क्लोज कर दे, समझ गए जी।
कोई ऐसा काम या कोई ऐसा ईमेल या कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको हर दिन इस पर्टिकुलर टाइम पे करना होता है? जैसे कि मैंने काम किया था अपने ऑफिस में, मेरे पास क्या था कि मुझे ऐसे ही छोटे छोटे करीब 20-25 रिपोर्ट बना के मेल करने होते, एक ही डेटा पे 20-25 रिपोर्ट बना के मेल करने होते। तो मैंने क्या किया कि सारे रिपोर्ट बनाने का और सेव करने का एक मैक्रो बना दिया, फिर एक मैक्रो बनाया कि उसको उस रिपोर्ट पर्टिकुलर रिपोर्ट पे पर्टिकुलर ईमेल्स को ईमेल पे भेजने का हमने एक मैक्रो बना दिया। अभी दोनों मैक्रो को एक फाइल के ओपन में डाल दिया कि फाइल ओपन हो, फिर मैं शेड्यूल टास्क से ये सिस्टम में डाल दिया कि इतना बजे मेरा ये फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, समझे? तो क्या होता है कि एक ड्राइव में पार्टनर क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता था या फिर वो सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर देता था, वो सारा सिस्टम। अब जैसे हो जाता था तो क्या होता था, उससे मैं आधा घंटा गैप दिया, मान लीजिए वो अब ह्यूमन है तो एग्जैक्ट टाइम पे थोड़ी करेगा, ऊपर नीचे हो सकता है टाइम, तो मैं आधे घंटे के बाद का टाइम दे दिया कि जैसे वो आधे घंटे बाद, तो कि मैं मेरा यूएस शिफ्ट था तो मैं 2 बजे ऑफिस पहुंचता था, मैं 3:30-2 बजे ऑफिस बनने के बाद मैं सारा सिस्टम चेक कर लेता था और 3 बजे मेरा रिपोर्ट बनना शुरू होता था। तो 3 बजे ऑटोमेटिकली मेरा एक्सेल ओपन होता था, सारे रिपोर्ट जनरेट होकर फोल्डर में सेव हो जाते थे, उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा आउटलुक ओपन होता था, और आउटलुक ओपन होने के बाद क्या होता था कि ऑटोमेटिकली सारे मेल्स जो है उनको जाने शुरू हो। और ये 20-25 नहीं था सर, ये 250 रिपोर्ट था जो मैं बर्थडे बना के भेजता, ये ऑटोमेटिक था, सारा ऑटोमेटिक था इसी मीडियम से। मैं करीब उस कंपनी में 2.5 साल काम किया था, 2.5 साल, 2 साल तो मैं पकड़ा नहीं गया, बॉस बोलता था सुजीत सबसे अच्छा काम करता है, 250 रिपोर्ट 200 रिपोर्ट पर डे बना के भेजता है, उसके अलावा भी मिसलेनियस काम करता है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मैक्रो बना देता है, तो एक गुड गाय की तरह मैं काम करता था ऑफिस में था, और हर कोई मुझे काम देने से बॉस भी बोलते थे यार इसका तो बहुत काम है यार, इसको काम दे रहे हो नहीं बना पाएगा, ऑलरेडी इसको 250 बॉस बना लेता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड मेरी अच्छी है, मैं बॉस को बताता नहीं था मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी एक खासियत थी मैं जल्दी अपना राज नहीं खोलता। तो बॉस को पता कैसे चला, मैं छुट्टी पे घर आया था और जो बंदा मेरे जगह पे काम किया उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले इतने सारे रिपोर्ट मुझसे नहीं बनने वाले। तो बॉस ने फोन किया सुजीत कैसे बनाते हो, कौन कौन मेन मेन रिपोर्ट बता दे, उसको मेन मेन रिपोर्ट बना देगा, बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, मेरा पीसी ऑन कर दिया, हाँ ऑन कर दिया, एक्सेल फाइल ऑन किया, ऑन कर दिया, ठीक है छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मतलब कि टाइम कितना हो रहा है, तो बोला 3:55 हो रहा है, 5 मिनट वेट कीजिए। क्यों क्या वेट करो, बोले मैंने एक जिन जो है ना पीसी में छोड़ के आया हूँ, अपने आप रिपोर्ट बना देगा। 3 बजे जब मेरा फाइल शुरू हो गया, फाइल पे अजीब अजीब जैसे भी देखा ना अजीब अजीब हरकतें, स्क्रीन अपडेटिंग होने लगा, ये फाइल खुल रहा है उधर से हो रहा है ये हो रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है काम करने लगा। बॉस ने फोन किया कि सिस्टम पे अजीब क्या है वो चल रहा है, वो रिपोर्ट बन रहा है। तो 15-20 मिनट में 250 रिपोर्ट को बना के सेव कर दिया और सबको जो है मेल कर दिया, और मेल भी मैं जब करता था तो इस तरह से नहीं कि एक ही मेल को एक बार में कर दिया, मैं मेल के लिए भी सिस्टम में शेड्यूल टास्क लगा रखा था कि 15-20 मिनट में एक मेल जाए, दूसरी मेल जाए, बस एक मेल रिपोर्ट के 10 मिनट में, फिर 15 मिनट बाद दूसरी रिपोर्ट जाएगी, फिर उसके 15 बाद तीसरी रिपोर्ट जाएगी। इससे क्या होता था, बॉस को लगता था कि ये काम करके रिपोर्ट भेज रहा है, समझे जी सर। तो उन्होंने पूछा कि तू दिन में करता क्या है, हमने बोला कि इसको मैनेज करता हूं,